देश में इन दिनों अल्जाइमर के रोगियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। विशेषज्ञ बताते हैं कि देश में 2 से 3 करोड़ मरीज इस रोग से पीड़ित हैं। वहीं उदयपुर के आरएनटी में रोजाना 5 से 6 लोग अल्जाइमर के रोगी आते हैं। इन रोगियों को भूलने की बीमारी होती है। बताया जा रहा है कि 60 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों में 5% में ये कमी पाई जाती है। इस बीमारी के प्रति जागरूक होकर शुरुआती लक्षणों में ही लोगों को इलाज के लिए मनोचिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। वहीं अगर अल्जाइमर के लक्षण दिखे तो योग पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर वर्षा पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में साइकाइट्री विभाग में कार्यरत हूँ। मैं आज आपसे 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस के दिन अल्जाइमर के कुछ शुरुआती लक्षणों के बारे में बात करना चाहती हूँ। अक्सर भूल जाना या गुम हो जाना अल्जाइमर का सबसे पहला लक्षण हो सकता है। वस्तुओं को ढूंढने में परेशानी या रोजमर्रा के कामों में कठिनाई होना अल्जाइमर का एक और कारण है। अगर आप या आपके प्रियजन बार बार कोई सवाल दोहरा रहे हैं, कोई संवाद या कहानी को समझने में परेशानी हो रही है, तो हो सकता है कि आप या वह अल्जाइमर से ग्रसित होंगे। इस बात का ध्यान रखें कि रात में यह बीमारी और बढ़ जाती है, कृपया इसे नज़रअंदाज ना करें। मेरा नाम डॉक्टर संगमजोत कौर है और मैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की साइकाइट्री विभाग में कार्यरत हूँ। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर्स दिवस मनाया जाता है। आज हम अल्जाइमर्स के प्रोग्नोसिस यानी कि रोग के निदान के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही दुख की बात है कि अल्जाइमर्स एक लंबी बीमारी है जो कि समय के साथ और बिगड़ती जाती है। अल्जाइमर्स ना ही सिर्फ एक मुख्य कारण मृत्यु का है, पर साथ ही में यह डिमेंशिया जिसे कि भूलने की बीमारी कहा जाता है उसका भी है। फिर भी कुछ ही लोग जानते हैं और समझते हैं कि इस बिगड़ती हुई बीमारी का सामना कैसे किया जा सकता है। प्रोग्नोसिस यानी कि रोग का निदान ना केवल हमें ये जानकारी देता है कि पीड़ित की जिंदगी में कितना समय शेष है, पर साथ में हमें उस बचे हुए समय को हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं उसके बारे में भी बताता है। कोई भी डॉक्टर किसी भी बीमारी का सटीक पूर्ण अनुमान नहीं दे सकता। अधिकांश एक सामान्य अनुमान जरूर दे सकते हैं, जैसे कि दिनों से महीने, महीनों से वर्ष या कई वर्ष। और इसकी जानकारी ना केवल पीड़ित को पर उनके परिजनों को भी काफ़ी मददगार होती है। वह इससे अपनी आगे की योजना बना सकते हैं कि वह अपना आखिरी समय कैसे बिताएं, कहाँ बिताएं, और अगर उन्हें कोई ज़रूरी कार्य पूर्ण करने हो वह भी कर सकते हैं और अस्पताल में होने वाले इलाज की योजना भी बना सकते हैं। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना, आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रताप नगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574।